दोस्तों आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं हवा देखने वाला मीटर। हवा की स्पीड और हवा की दिशा, ये दोनों ही ये मीटर हमें बताएगा जी। ये बिल्कुल सिंपल है और इसको बोला जाता है जी वेंडशॉक। और दोस्तों अगर हम ये पूरा कंप्लीट सेट खरीदते हैं तो काफ़ी महंगा है, लेकिन ये वाला जो मैंने बनाया है ये मुझे काफ़ी सस्ता पड़ा है। इसका जो आगे का आप कपड़ा देख रहे हो, ये वाला मैंने मंगवाया था अमेजोन से, और जो बैक साइड इसका फ्रेम है वो मैंने खुद तैयार किया था। वो हम वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से तैयार किया है। अगर दोस्तों हम इसकी स्पीड की बात करते हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि मैंने साथ में एक फोटो लगा दी है, और आप देखें कि जो हमने यहाँ पर वेंडशॉक लगाया है इसमें भी आपको 5 पट्टी दिखाई दे रही है। 3 पट्टी है वो व्हाइट कलर है, 2 पट्टी रेड कलर की है। इसी तरह से ही आपको पिक्चर में भी ये 5 पट्टी वाले वेंडशॉक दिखाई दे रहे हैं। अगर आप दोस्तों फोटो में देखें तो जो सबसे ऊपर पहली फोटो है इसमें आप देखें कि जो रेड कलर के अंदर हवा है और बाकी जो वेंट शॉक है वो नीचे गिरा हुआ है। तो इसकी स्पीड अभी होगी जी 5.5 किलोमीटर की। उसके बाद आप देखें कि रेड और वाइट 2 पट्टी में हवा है और बाकी की पट्टी नीचे गिरी हुई है, तो यहाँ पर इसकी स्पीड है जी 11 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद जो 3 पट्टी है इसके अंदर हवा है, 2 पट्टी नीचे गिरी हुई है, तो अब जो हवा की स्पीड है वो है 16 किलोमीटर की। उसके बाद 4 पट्टी में हवा है और जो 5वीं पट्टी है वो नीचे गिरी है, तो अब जो हवा की स्पीड है वो 22 किलोमीटर की है जी। अगर दोस्तों 5 की 5 पट्टी बिल्कुल सीधी हो जाए, उसके अंदर फुल हवा भर जाए, तो जो इसकी स्पीड होगी हवा की वो 28 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। तो इस तरह से दोस्तों यह मीटर होता है। तो इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और सिंपल है और सस्ता है। तो किस तरह से हमने बनाया है चलिए हम वीडियो में देखते हैं जी। इसके लिए दोस्तों हमने साइकिल का एक खराब चक्का लिया है, इसका हम रैम और जो इसकी हब है वो हम काम में लेंगे, बाकी जो इसकी स्पोक्स है तारे हैं वो हम काट कर फेंक देंगे। तो ये वाला जो रैम है ये हमारे काम आएगा पूरे का पूरा, और जो हब है इसकी इसको भी हम सही कर लेंगे ग्रीस या ऑयल लगाकर। अब दोस्तों इस तरह से हम लगाएंगे हब और जो रैम है, तो हमारे पास कुछ सरिये है 2 सूत मोटे, इसी को हम लगाएंगे जी इसके ऊपर। तो इसको इस तरह से मैंने एक जैसे के प्लस का निशान बना दिया है, इसमें मैंने 4 सरिये लगा दिए हैं और उसके ऊपर इस तरह से वर्टिकल टाइप में एक जो साइकिल की हब थी, इसी चक्के की हब थी, वो मैंने लगा दी है जी। और ये सब कुछ मैंने वेल्डिंग कर दिया है, रैम सरिये और हब। अब जो हमारा फ्रेम है वो बन चुका है जी। अब ये देख सकते हो कि इस तरह से जो घूमेगा जी। इसके बाद हम जो पाइप है, पाइप के ऊपर मैं इसको वेल्डिंग कर रहा हूँ, और जो हमारे पास ये वेंट शॉक था, ये साइकिल का जो रैम है उसके ऊपर पूरा पूरा ही ये आ चुका है। यानी कि इसके लिए मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं बनाना पड़ा, सीधा जो इसका वेंट शॉक था इसी रैम के ऊपर ही आ चुका है। और दोस्तों रैम को भी आपने कहीं से भी नहीं काटना, क्योंकि जो इसके अंदर झिल्ली बनी हुई है उसमें ही हम इसकी जो रस्सी है वो अच्छी तरह से कस देंगे, ताकि ज़्यादा हवा से वेंट शॉक ऊपर से निकल ना जाए, एक तरह का ये लॉक ही बन जाता है। तो बिल्कुल सिंपल है जी, क्योंकि अगर हम ये बाज़ार में लेते हैं तो आप इसकी कीमत देखें 10,000 के ऊपर है, लेकिन अगर हम ये सिर्फ कपड़ा मंगवाते हैं अमेजोन से, इसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, 500 रुपये का ये कपड़ा आया है और जो इसकी लेंथ है वो 6 फीट लंबा ये कपड़ा है जी। अब मैं इसको दोस्तों जहाँ पर लगा रहा हूँ, तो जहाँ पर लगाने के बाद आप देख सकते हो कि जो हमारा वेंट शॉक है वो काम कर रहा है। दोस्तों आज की वीडियो हमारी इतनी थी, देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।